नमस्कार किसान मित्रों, मारू नाम है संजय वल्वी और जैविक खेती ने अमे मुहिम चलावीए छे। अने जैविक खेती में क्या क्या प्रकार अपने खातर बनावानुं होय, केवी रीते इस्तेमाल करवानो, तेनो ज एक भाग एक फॉर्म्युला है जेने अपने गोवर्धन सजीव खाद कहेवामां आवे छे। तो गोवर्धन सजीव खाद में केटला प्रकारनी सामग्रीनी जरूर पड़शे अने केटला प्रमाणमां जरूर पड़शे अने एने केवी रीते बनावानुं ते अत्यारे विधि बतावीशुं। तो पूरो विडियो डिटेलथी जोता रहो। तमारे ओछामां ओछुं सौथी पहेला ताजु छाण जोईशे। देशी गायनुं जर्सीनुं होय तो लेता नहीं, कारण के ए कई ज कामनुं नथी। तो देशी गायनुं छाण ओछामां ओछुं तमारे 10 केजी थी एक तगारी तमारे लई लेवानुं। पछी तमारे आवशे 1 किलो गोळ। गोळने अमे पहेलेथी ज ओगाडी दीधो छे डब्बामां। एना पछी आवशे तीजा नंबर पर छाश। छाश ना होय तो तमे दહીં लई शको छो 1 लीटर। बीजा तीजा चौथा नंबर पर आवशे तमारे लोट। लोट पण लेवानो, तमारे खास ध्यान राखवानुं। बाजरी कां तो जुवार कां तो मकाई कां तो चोखानो कां तो घऊंनो, आ त्रण चार पांचे वस्तु में कोई भी एक किलो लोट तमे लई शको छो जे तमारा घर में उपलब्ध होय ते। पछी पांचमा नंबर पर आवशे तमारो गोमूत्र। गोमूत्र तमारे ओछामां ओछुं 1 लीटर लेवानुं। इवन 2 लीटर थई जाय तो वांधो नहीं। पछी तमारे आ माटी लेवानी छे, पण माटी पण क्यांनी, तो माटी खास तमारे जे झाड होय, वड होय कां तो पीपळो होय कां तो आंबो होय कां तो લીમડો होय कां तो आंबली होय, एना नीचेनी ऊपरनी माटी 1 किलो लई लेवानुं। आ बधी सामग्री टोटल 6 थई। तो जेने विडियो जोईता होय के भूली जाओ तो लखी लेजो। फरी एकवार कही दऊं, 10 केजी थी 1 तगारी छाण लेवानुं। बीजा नंबर पर 1 किलो गोळ लेवानुं। तीजा नंबर पर 1 लीटर छाश। छाश न होय तो दહીં। पछी 1 किलो लोट लेवानो, 1 लीटर गोमूत्र लेवानुं। 1 किलो थी 250 ग्राम होय तो भी चालशे, वधारे थई जाय तेनाथी करीने नथी, पण 250 ओछामां ओछी 250 ग्राम आपणने माटी जरूर पड़शे। आ लीधा पछी तमारे सौथी पहेला ध्यान राखवानुं के आ गोळनुं पाणी तमारे लोट मसळता छे एवी रीते मिक्स करी लेवानुं। पछी तमारे छाश मिक्स करवानी, पछी लोट मिक्स करवानो, पछी आ माटी मिक्स करवानी अने छेल्ले तमारे गोमूत्र मिक्स करीने लोट बनावता छे ए रीते मिक्स करीने 1 तगारी में लेवानुं। अने तगारी में लीधा पछी एने उलटू करी मूकी दो एटले ढगलो थई जाय। ढगलाने थई गया पछी आ ढगलाने तमारे पानथी, कोई बी पानथी तमारे ढांकी देवानुं। चीकणी साइड अंदरनी साइड रहेवा जोईए अने आ पाछळनी साइड उपर रहेवी जोईए। पूरेपूरो ढंकाई जाय पछी तमारे आ कोई बी फूल छे ए चारे बाजू चारे कोर मूकीने उपर मूकीने तमारे जे बी ईश्वरने मानता है प्रार्थना कर देवानुं के आ खातर सारू बने। तो बीजो विडियो जोवा माटे तमे डिटेलथी ए बन्या पछी तमारे के रीते इस्तेमाल करवानुं ए बीजे विडियो में तमने बतावीशुं। धन्यवाद।